वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नवीन जगवाल। चैप्टर 9 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। टुडे डिस्कस जर्नल एंट्री। हम तो टुडे डिस्कस कर रहे हैं जर्नल एंट्री के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 26 में फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मुकेश ब्रदर इन्वेस्टेड 2 लाख इन बिजनेस और जनरल स्टोर। ठीक है कि मोनो मुकेश ब्रदर्स ने 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड किए जनरल स्टोर के लिए। ठीक है तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी कैपिटल होगी। रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं कैपिटल। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाई मुकेश ब्रदर्स। मुकेश ब्रदर्स द्वारा कैपिटल क्या की गई इन्वेस्ट की गई है। क्वेश्चन 26 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मुकेश ब्रदर इन्वेस्टेड 2 लाख इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। जनरल स्टोर में क्या किया उसने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट किया उसको क्या बोलेंगे कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख नरेशन क्या बनेगी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाई मुकेश ब्रदर्स। सेकेंड है पेड इन टू करंट अकाउंट 1 लाख 20,000 पेड कर रहे हैं डिपॉजिट कर रहे हैं या अकाउंट ओपन कर रहे हैं सेम एंट्री होगी डिपॉजिट वाली। ठीक है अगर हम बैंक में पेड कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं या अकाउंट ओपन करा रहे हैं ठीक है तो इन तीनों का मतलब क्या है कि डिपॉजिट जो होगी वो एंट्री करनी तीनों में। तो पेड इनटू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट 1 लाख 20,000 क्या किए पेड किए हैं तो मतलब बैंक में क्या हुआ डिपॉजिट हुए हैं तो डिपॉजिट की एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 20,000 अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट क्या किए बैंक में डिपॉजिट किए। अब March 4th की ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर 60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। ठीक है 60,000 गुड्स क्या किया परचेज किया 2,000 उस पर कैरेज दिया है कैरेज मतलब भाड़े के दिए। तो जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट 60,000 कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 62,000 क्योंकि गुड्स हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना कि कैपिटल। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम परचेज करते हैं उस पर जो भी एक्सपेंसिज होती है तो उसके अंदर ऐड करके दिखाते हैं और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम्स होते हैं ठीक है तब उनकी सेपरेट एंट्री होगी। इफ गुड्स तो 60,000 का है और कैरेज 2,000 दोनों की सेपरेट एंट्री की गुड्स के लिए क्या लिखा परचेज अकाउंट और कैरेज के लिए कैरेज इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट गुड्स परचेज ऑन एंड कैरेज पेड। March 6th परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स। रघुनाथ ब्रदर्स से 1 लाख का माल उधार खरीद एंड पेड 1,200 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। माल तो उधार खरीदा है और भाड़ा नगद पे किया है कैश में पे किया है माल कैसे खरीदा है उधार खरीदा कितने का माल तो पहले माल खरीदने की एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ क्योंकि क्रेडिट है क्रेडिट मतलब उधार जब उधार है तो नेम आएगा बच्चों कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ किससे खरीदा रघुनाथ से 1 लाख 1 लाख गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कि माल कैसे खरीदा उधार खरीदा कैरेज कितनी दी है 1200 कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैरेज 1200 कैरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ अबो गुड्स उपरला गुड्स खरीदने के लिए 1200 कैरेज पे किए। कह रहा है कि 1 लाख का गुड्स क्या क्या उधार खरीदे उधार की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ अगर कैश खरीदते तो टू कैश आता गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 1 लाख 1 लाख कैरेज कितना पे किया है 1200 कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 कैरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ अबो गुड्स। March 10th ट्रांजेक्शन है परचेज मशीन फॉर 10,000 एंड स्पेंट 100 फॉर इट्स कैरेज। अब मशीन क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैसे एक्सपेंडिचर कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आइटम्स होते हैं उस पर जो भी इंस्टॉलेशन है ठीक है रिपेयर है जो भी एक्सपेंसिव लगती है उसी के अंदर क्या करते हैं ऐड करके दिखाते हैं। इफ मशीन खरीदी 10,000 और पेज
कैश कितना पे कर रहे हैं 100 रुपीज़, तो टोटल कितना होगा 10,100 रुपीज़। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,100। मशीनरी परचेज फॉर 10,000, कैरिज पेड फॉर द सेम 100 रुपीज़। कि मशीनरी 10,000 परचेज किया, कैरिज कितना पे किया है 100 रुपीज़ पे किया है। ओके थैंक्स।